छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अब नए तरह की सियासत शुरू हो गई है। राजनांदगांव वर्सेस रायपुर की इस नई सियासत ने कांग्रेस में खलबली मचा कर रख दी है। दरअसल राजधानी रायपुर के दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर एक बार फिर कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। राजनांदगांव और दुर्ग के नेताओं ने पीसीसी चीफ दीपक बैज को पत्र लिखकर उनसे टिकट मांगी है। वहीं पीसीसी के पूर्व महामंत्री कुतुबुद्दीन सोलंकी ने सचिन पायलट से मिलकर रायपुर दक्षिण सीट से राजनांदगांव के नेता डॉक्टर आफताब आलम के लिए टिकट मांगी है। डॉक्टर आफताब आलम ने कहा है कि यदि रायपुर के नेता राजनांदगांव में आकर चुनाव लड़ सकते हैं तो राजनांदगांव के नेताओं को भी रायपुर से टिकट मिलनी चाहिए। मैं कुतुबुद्दीन सोलंकी, मध्य प्रदेश खनिज निगम का भूतपूर्व अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भूतपूर्व महामंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी से हम निवेदन कर रहे हैं, राजनांदगांव में जो चुनाव हुए उसमें श्रीमती करुणा शुक्ला जी, माननीय गिरीश देवान जी और प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी चुनाव लड़े। यहाँ पे राजनांदगांव में जब दीपक बैज जी उनका दौरा हुआ तो मैं उनसे निवेदन किया। राजनांदगांव की जनता ने 3 बार रायपुर के प्रत्याशी का वेलकम किया, स्वागत किया और हमने जितने भी पूरे जिले के कार्यकर्ताओं ने, राजनांदगांव विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने तन मन धन से प्रत्याशी जिताने का पूरा प्रयास किया। उसी तारतम्य में अभी राजनांदगांव से डॉक्टर आफताब आलम जो रायपुर दक्षिण में चुनाव होने जा रहा है, हम भी हमारे नेताओं से निवेदन कर रहे हैं। हमने समय समय पर भेंट कर उनसे मुलाकात कर अपनी बात रखी और उनसे निवेदन किया कि राजनांदगांव में जब 3 बार हमारे प्रत्याशी आगे चुनाव लड़े और उनका हमने वेलकम किया, स्वागत किया और तन मन धन से उनके चुनाव प्रचार में हमारे कर्ता लगे लड़े हैं, हम भी उनसे निवेदन कर रहे हैं कि राजनांदगांव से डॉक्टर आफताब आलम को हमने प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत किया है, उनकी दावेदारी प्रस्तुत की है। माननीय दीपक बैज जी नांदगांव आए थे, हमने उनसे मांग रखी कि 3 बार प्रत्याशी रायपुर से आगे चुनाव लड़े थे, हमको भी एक बार राजनांदगांव के प्रत्याशी को मौका दिया जाए और नांदगांव से डॉक्टर आफताब आलम चुनाव लड़े। यही और हमारे पूरे जिले के कार्यकर्ताओं की यही मंशा है कि जिस तरह से 3 बार रायपुर से प्रत्याशी आगे चुनाव लड़ा उसी तरह रायपुर नांदगांव से डॉक्टर आफताब आलम को टिकट दी जाए रायपुर दक्षिण से।